आसान सी बात है, पिछले 8 दिनों से हमारे 20 भूख हड़ताली इस वक्त शदीद ख़तरे की हालत में जो है उस तरह हालात मर्ग पे है, और हम यहाँ पे आए और इंतजामिया की तरफ से हमें कहा जा रहा है कि जी ये इलीगल काम है, ये आप ना करें। हम इनसे ये सवाल करते हैं कि हमारे 20 बंदे पिछले 8 दिनों से वहाँ हालत मर्ग में है, हमारे साथ तो किसी ने रब्ता नहीं किया है, गवर्नमेंट हमारी मुतालबात तस्लीम कर ही नहीं रही और ना करना चाहती है। हमने 10 साल से ये प्रोटेस्ट की इसी रोडों पर प्रेस क्लब के सामने, लेकिन अब तक 772 मुलाजमीन के खानदान के हवाले से किसी ने मुस्बत कदम नहीं उठाया, और हमारा ये मुतालिबा है कि हमारे जो है 772 मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए। और इस वक्त आदम में मर्ग भूख हड़ताल में कुछ साथी पड़े और हमारे कुछ साथी वहाँ सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है, और हमारे पास मुजाकरात करने एक बेख्तियार कमेटी आई थी और आज उसने साफ साफ इनकार कर दिया कि हम आपको किसी भी सूरत कोई लिख कर नहीं देंगे, ना रिटर्न में कोई चीज़ होगी। हम किसके पास जाए, हम रोडों पर मजबूर हो गए। इसके बाद भी अगर हमारा मुतालिबा हल नहीं होता तो हम इंशाल्लाह इस रुख को दोबारा उसकी तरफ करेंगे जहाँ उनका सुकून आराम को जो है बर्बाद करेंगे, वरना हम नहीं चाहते कि रमज़ान मुबारक में इस गर्मी में हम यहाँ चिल्लाते रहे। हमें भी आवाम का दुखों का एहसास है, लेकिन हम भी मजबूर हैं, हमारी मजबूरी के लिए कोई मुस्बत कदम तो उठाए ताकि पता तो चले। Jesus!